हेलो मित्रों, चार्ट चार्ट जी में कोड शेयर लिखा, इसका नाम है एच पी एल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, जो कंपनी है बेसिकली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, इसमें स्विच चेंजर, ठीक है, LED लाइट, वायर एंड केबल। ठीक है, देख लेते हैं चार्ट क्या बोल रहे हैं। चार्ट जो है मैंने एक दिन का लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, कल इसे 15% का अप मूव दिया था, आज भी ये थोड़ा सा अप मूव पे था, ऑलमोस्ट 1% का अप मूव दे रखा था पहले इसने, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया था बाद में ये। ठीक है, जो जो शेयर है ये रिस्ट्रिक्शन फेस कर रहा था काफ़ी टाइम से यहाँ पे। ठीक है, जो कि इस अच्छी वॉल्यूम के साथ, इसने अच्छी वॉल्यूम स्पर्ट के साथ यहाँ इसने ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है मार्केट को। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है, प्रीवियस सपोर्ट भी इसका यही था। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट ये रहेगा इसका, ये सपोर्ट रहेगा इसका, रिस्ट्रिक्शन जो था। ठीक है, नियर फ्यूचर में आपको 150 तक के टारगेट दे सकते हैं इसमें, और बाकी शेयर बाकी अच्छा ही है, शेयर में ख़राबी नहीं है इसमें। ठीक है, शेयर में कोई भी ख़राबी नहीं है इसमें, और अच्छा शेयर, क्योंकि कंपनी ऐसी कंपनी बड़ी कंपनी होती है ना, इनमें शेयर अच्छे होते हैं, ये वॉल्यूम भी आ रही है, अच्छी वॉल्यूम आई है इसमें। और एक चीज़ दिख रही होगी, रिस्ट्रिक्शन जो इसका प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन था ना, वो इसका सपोर्ट भी रहा, बन गया एक बारी, जो प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन था इसका वही सपोर्ट बन गया इसका। वॉल्यूम अच्छी आई थी इसमें, बता दिया मैंने आपको, और पैटर्न इसने अच्छा सब, यहाँ जो सपोर्ट है ना इसका, ये वाला इसने अच्छा सपोर्ट ले रखा है। ठीक है, अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लेना है तो मैं कहूँगा कि यही ऐसे इसके नीचे आ जाए, नहीं तो ये, हाँ ये अच्छा जाएगा SL इसका। अगर इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे सस्टेन करता है, 110 के नीचे का SL है पर, ठीक है, 110 के नीचे का XL है, अगर ये सस्टेन करता है 110 के नीचे, आप इसमें से एग्जिट बना सकते हैं। ठीक है, 110 का। ठीक है, ऐसे और भी शेयरों के लिए चैनल बने रहें।